एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। सॉल्व अलॉन्ग में अब हम पहुंच गए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के सेकंड सेट पे। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th क्वेश्चन। बीटी कॉटन इज नॉट, यानी कि बीटी कॉटन क्या नहीं है। अब यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग अपने दिमाग में मेन मेन वर्ड्स पढ़ते हैं और सोच रहे थे कि हाँ ये आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आराम से टाइम देके पढ़िए ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो आपको करना क्या है। बीटी कॉटन इज़ नॉट अ जीएम प्लांट, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं है। नहीं, ऐसा तो है, वो तो है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट, अ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम और रेजिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड्स। बीटी कॉटन इज नॉट रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए डी ए एडिनोसिन डीएमआइनेज इन द बॉडी इज, यानी कि बॉडी में ए डी ए कहाँ बनता है। बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स, ब्लड प्लाज्मा या मोनोसाइट्स। अगर मैं बात करूँ ए डी ए की, वो बनता है लिम्फोसाइट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड्स या फिर थायमस ग्लैंड में। तो यहाँ पे ए डी ए बनता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको सही करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इसी को ठीक करने के लिए यूज़ की गई थी। सो यहाँ पे बहरहाल क्वेश्चन था आपका कि साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए डी ए कौन सा होता है, तो वो है आपका लिम्फोसाइट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, स्टडी ऑफ ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, नन ऑफ द अबव। जहाँ तक पैथोफिजियोलॉजी की बात है, पैथोफिजियोलॉजी वो ब्रांच है जो कि स्टडी करती है कि जो होस्ट है, वेक्टर नहीं, पैथोजन नहीं, जो होस्ट है, जो बीमार हुआ है, उसकी फिजियोलॉजी जो ऑल्टर्ड है, यानी कि जो जो चेंजेस आए हैं वो क्या हैं। सो ऑप्शन सी आपका जो है, विच इज़ पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट, ये करेक्ट है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज़, जो सी पेप्टाइड है ह्यूमन इंसुलिन का वो क्या है। अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जहाँ तक सी पेप्टाइड की बात है, इट इज़ रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, यानी कि जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन रही होती है तो सी पेप्टाइड हटाई दी जाती है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सी पेप्टाइड के बारे में करेक्ट है। द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज, यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस की जो एक्टिवेशन है, टॉक्सिन जो है उसका एक्टिवेशन कैसे स्टार्ट होता है, ट्रिगर करना यानी कि कैसे स्टार्ट करना, तो क्या है। एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, हाई टेम्परेचर, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, मैकेनिकल एक्शन इन द इंसेक्ट गट। ये चीज़ मैंने पहले भी एक दो बार रिपीट की है कि जब वो अल्कलाइन पीएच ऑफ गट में, यानी कि अल्कलाइन पीएच ऑफ इंटेस्टाइन में जाता है जब पेस्ट की, तब वहाँ पे वो प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है, यानी कि अपने इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से उस पेस्ट की डेथ हो जाती है। सो अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, कैसे साइलेंस की जाती है ताकि एक्सप्रेशन ना हो, क्या यूज़ करते हैं हम। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जहाँ तक आरएनए की बात है, जीन्स को साइलेंस करते हैं हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये आपको मैंने पहले या दूसरे ही सवाल में बताया था कि ये दी गई थी एडीए एडिनोसिन डीएमआइनेज के लिए। तो फर्स्ट क्या दिए हैं हमारे पास ऑप्शंस, एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। सो ऑप्शन डी आपका सही है। 4 साल की बच्ची को ये पहली बार दी गई थी और उसके बाद से इसका कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है। इसका ही नहीं, और भी काफ़ी सारी मेडिसिंस के लिए हम लोग क्लिनिकल जीन थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि जिस भी जीन की डेफिशिएंसी है उसको पूरी की जा सके। बट फर्स्ट इट वाज गिवन टू अ गर्ल हु वाज 4 years old, जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी थी। सो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है।
ADA is an enzyme which is deficient in a genetic order SCID, जो हमने पीछे देखा. What is the full form of ADA? ये मैं अभी तक कहती आ रही हूँ. Adenosine deaminase, option B आपका यहाँ पे सही है. Question number 19. Silencing of a gene could be achieved through the use of. एक particular gene को silence कैसे किया जाता है कि वो express ना करे अपने आप को. Short interfering RNA यानी कि RNAi, antisense RNA, by both या none of the above. वो short interfering RNA या फिर antisense RNA दोनों का इस्तेमाल करके ये चीज़ की जा सकती है. इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20. गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर इन चाइना. लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टिंट. अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटिन. वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस विद येलो कलर्ड ग्रेन्स. जहाँ तक गोल्डन राइस की बात है, ये है आपका ऑप्शन सी, अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन. इतना ही नहीं, ये एनरिच्ड है विटामिन ए के साथ भी. तो यहाँ पे अब हम तक सेकेंड सेट भी ख़त्म कर चुके हैं. आई एम होपिंग कि आप भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम उसके ऊपर भी कुछ सोल्यूशन निकाल सकें. टिल देन, कीप स्टडिंग हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड.